बाप ब्लॉक में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी बाप ब्लॉक में 8 संक्रमित मिले, मंगलवार को 9 मिले थे। बाप ब्लॉक में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33 हो गया है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। बीसीएमओ डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि ब्लॉक में बुधवार को 72 सैंपल लिए गए थे, इनमें 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 6 मरीज बाप कस्बा व आसपास के क्षेत्र से है, इसके अलावा एक सामरा गाँव व एक दिगावड़ी का मरीज है। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खंड स्तरीय समीक्षा बैठक खंड कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों व स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा व उसके सफल क्रियान्वयन के संबंध में चिकित्सा प्रभारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने कोरोना रोधी टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी सेक्टरों के स्वास्थ्य कार्मिकों को अपने क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य को 100% प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि 100% कोरोना वैक्सीनेशन से ही बढ़ते ओमिक्रॉन पर लगाम लग सकती है। डॉक्टर चौहान ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक सेक्टर के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को सेक्टर अनुसार RRT की टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अगले सप्ताह होने वाली जिला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम समीक्षा बैठक के मद्देनजर विभिन्न सेक्टरों में लंबित राजस्वी मामलों, कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने, स्कूलों में 15+ व 18+ वैक्सीनेशन से वंचित लोगों के लिए कार्य योजना बनाकर 100% वैक्सीनेशन लक्ष्य प्राप्त करने को कहा है। बैठक में डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर जालमचंद, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर विमल, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर दौलत कुमावत, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर वजीर, BPM अशोक छिंपा, लेखाकार, PSC सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया था। उनके लाइव प्रसारण को बाप में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सुना। प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन भैया, मांगीलाल पालीवाल, पुनीत भोदड़ा, रवि पालीवाल, सुरेश खत्री आदि उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी विषय पर मॉडल स्कूल बाब, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाब, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाब सहित जाम्बा ढाणी, सूरपुरा, घटोर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को भारत विकास परिषद की तरफ से स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में सहयोग करने वाले अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, सरपंच लीला देवी पालीवाल, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, CBEO खेवराज माली, राजेंद्र कुमावत, भंवरलाल दवे, संरक्षक अखेराज खत्री, प्रधानाचार्य राजीव कुमावत, रोहिताश मीणा व प्रतिभा सामोर सहित व्याख्याता कन्हैयालाल पालीवाल, अशोक कुमावत, सुखराम पूरनमल, कुसुम राठौर, ललिता पालीवाल, सुमन सुथार, निशा पालीवाल, बिंदु देवी, कैलाश विश्नोई, पूनमचंद भवाल, मांगीलाल सियाग, दुर्गाराम सुथार, जगदीश कुमावत, सलामत अली, मणिराम, मालाराम विश्नोई, राजाराम मेघवाल व मुरलीधर खत्री आदि उपस्थित थे। खिदरत के करणी नगर में आयोजित कार्यक्रम में मक्सिंह भाटी, पदम सिंह चौहान, मांगीलाल विश्नोई जाम्बा, आयदान सिंह भाटी, उदय सिंह चौहान, भगवान सिंह चौहान, गोविंद सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। रिको औद्योगिक क्षेत्र बड़ी सीट में रखे गए ई नीलामी भूखंडों का रिको द्वारा स्थानीय उद्यमियों व भूखंड के इच्छुक अन्य लोगों को वहां का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान रिको जोधपुर इकाई के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक संजय झा व फलोदी साल्ट सिटी एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र व्यास भी साथ थे। रिको जोधपुर इकाई के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक संजय झा ने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में ई नीलामी में रखे गए 161 भूखंडों का बाप फलोदी के उद्यमियों को अवलोकन करवाया गया, साथ ही ई नीलामी की प्रक्रिया समझाई। इस ई नीलामी के लिए अमानत राशि जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। बिड में भाग लेने की अंतिम तिथि 19 से 21 जनवरी शाम 5 बजे तक है। औद्योगिक क्षेत्र की आरक्षित दर 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इस दौरान ब्रजेश कुमार, राजू व्यास, मधु बोहरा, श्याम बोहरा, रामाकृष्ण व्यास, प्रकाश पुरोहित, मांगीलाल व्यास, सवाई कुमावत, ओम राठी, श्री गोपाल चांडक, तनसुक खत्री, जीतू आदि उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाप में स्वामी विवेकानंद जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए बाप तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी ने कहा कि भामाशाहों को आगे आकर बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। सरकार बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे आसपास कोई बालिका अनपढ़ नहीं रहे, ऐसा प्रयास हम सब करें। बाप के पूर्व उपखंड अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ ने बालिका विद्यालय को एक लैपटॉप भेंट किया, वे बधाई के पात्र है। कार्यक्रम में CBEO खेवराज माली, प्रधानाचार्य प्रतिभा सामोर, सोहन राम सियाक, RI प्रेम कुमार, भंवरलाल दवे, ओम राठी,
साथी कुसुम राठौड़, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य अखिराज खत्री, शिक्षक मांगीलाल सियाग, पूरन मल, ललिता पालीवाल, सुमन भील, सुमन सुथार, पूनाराम बिश्नोई, आयदान पालीवाल, शिवलाल यादव, शारीरिक शिक्षक अवधेश कुमार पुखराज, मनोज कुमार, उमाकांत थानवी, मनीष कुमार आदि उपस्थित थे।